नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। मैं आपके साथ संजू सिंह। भाजपा के गद्दावर नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के सपुत्र ने 16 मार्च को हुई परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा। इसी के चलते कांग्रेस ने पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया, जिसके चलते वह कोटद्वार पहुंचे और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कांग्रेस के प्रति कार्य करने की अपील की। देखिए ये रिपोर्ट। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि देश और गढ़वाल के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं, जिससे कांग्रेस ने मुझे चुना है, भरोसा जताया है और मुझे पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर उत्तराखंड के लिए मैं विकास करूंगा, कोई कसर भी नहीं छोड़ूंगा। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थानों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इस चुनाव में राज्य सरकार की नाकामी और केंद्र सरकार की विकास विरोधी नीतियां ही कांग्रेस को विजय बनाएगी। मेरे पिताजी भुवन चंद खंडूरी भले ही बीजेपी के स्टार प्रचारक हों, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद भी मुझे ज़रूर मिलेगा। इस बार उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। आपके पिताजी बीजेपी से हैं, आप कांग्रेस से हैं, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है, क्या मानते हैं, क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे बीजेपी के साथ, क्योंकि आप मैदान पे होंगे यहाँ से? देखिए, जो मैं ये कहूँगा आपको, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है, मुझे अपनी ईमानदारी और अपनी जो सच्चाई है वो विरासत। तो सबसे धनी, बड़ा धनी तो नहीं। और जहाँ तक रही राजनीतिक ख्यालों की बात, मैं यही कहूँगा कि 91 में जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की तो मेरी दादी कट्टर कांग्रेस वाली थी, विचारधारा थी, ये मेरी विचारधारा।